कलाकंद इज अ पॉपुलर इंडियन डेजर्ट विच इज सर्व ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स। पर आज हम बनाएंगे 15 मिनट में कलाकंद। उसके लिए लेते हैं एक पैन, उसमें डालते हैं 300 ml दूध। पहले मैंने 200 ml दूध डाला है और यह उबलने के बाद ही मैं डालती हूँ 100 ml दूध। देखिए 100 ml दूध लिया है और उसे अच्छे से उबले आने के बाद हम घर का बना पनीर भी डाल सकते हैं दूध फटने के बाद का, या रेडीमेड पनीर भी ले सकते हैं। 400 ग्राम पनीर लिया है और इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं। मिलाने की वजह से दूध फटने लगेगा और दूध फटने से यह रिचनेस भी देगा और ताजगी देगा और पनीर में मॉइस्टनेस भी मेंटेन रहेगा। अब इसमें हम डालेंगे घी 1 टीस्पून, उसके वह भी रिचनेस देगा और बाइंडिंग भी आएगी हमारी पनीर के अंदर, यानी कलाकंद में। अब इसे हमें अच्छी तरह से मिलाना है और इसमें हमें डालना है नट्स। नट्स में हम डालेंगे 8 से 10 बादाम, रोस्टेड आलमंड है, इसमें डालेंगे काजू 8 से 10 और पिस्ता। आप इसमें अंजीर के छोटे छोटे टुकड़े भी करके डाल सकते हो, लेमन जूस भी डाल सकते हो। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा वो, और केसर की कुछ पत्तियाँ जिसकी वजह से फ्लेवर भी बढ़ेगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और इसे हमें अच्छी तरह से मिलाना है। और अब इसमें मिठास के लिए डालते हैं 200 ग्राम कंडेंस मिल्क। 400 ग्राम पनीर में 200 ग्राम कंडेंस मिल्क या आप 150 ग्राम शक्कर भी इसमें डाल सकते हो। इसे अच्छी तरह से मिलाना है। बहुत जल्दी दानेदार एकदम मॉइस्ट 15 मिनट में जूसी कलाकंद तैयार है। मुझे विश्वास है कि आपको इसका एडिक्शन जरूर होगा, यानी एक बार खाओगे तो आप इसे बार बार खाओगे। बातों ही बातों में आपका कलाकंद घर पर आसानी से तैयार हो जाएगा। तो आप इसे बनाइए और अपने रक्षाबंधन को स्पेशल कीजिए। लाइक एंड शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, आपके कॉमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।